वो अपने कंट्री के लिए इतना अच्छा कैप्टनसी कर रहा है और लाइक वो वेल मैच्योर्ड गाय है एज अ कैप्टन, तो उसके लिए रेट करने की जरूरत ही नहीं है, इज 10/10 ओनली। कल के आप लोग देखने आओगे क्या? आप ही बता दो यार, अभी तो हमारी तो कोई कुछ नहीं बनी है, हमारी बनी लाइक टू बी ऑनेस्ट। उस इनिंग के बाद एक मैं नॉट आउट था और उसके बाद एक मैं आउट हुआ जो मेरे को चांस मिला था, बट हाँ वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, वो चलता ही रहेगा बिकॉज जितना अप एंड डाउन रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए जो मैं फील करता हूँ। और हाँ मैं बैटिंग पे वर्क पहले भी करता था, अब भी उतना ही कर रहा हूँ और बॉलिंग पे भी कर ही रहा हूँ मैं वर्क, तो हाँ मेरे को तो दोनों डिपार्टमेंट में कॉन्फिडेंट मैं फील कर रहा हूँ और जब मेरे को मेरे चांसेस मिलेंगे आई विल डू माय बेस्ट। टीम की तैयारी बहुत अच्छी है भैया, लास्ट दो मैच भी जीत के आए हैं तो टीम अच्छा फील कर रही है, सब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और यार राजस्थान का तो अच्छा विकेट रहता है, तो हाँ होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली लास्ट ईयर भी हम लोग बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे थे, उससे पहले भी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे थे, बट वही है मतलब दो साल से और ये साल भी ऑलमोस्ट सेम ही बॉलिंग लाइनअप है, जो जो भी कोर बॉलर्स हैं वो सेम ही हैं और वो सेल्फ बिलीव बहुत अच्छा है, मतलब टीम का सेल्फ बिलीव बहुत बेटर है लास्ट ईयर से। और पता है कि विकेट टफ है उधर, दूसरी टीम को भी ईजी नहीं होगा, तो उधर हम लोग को एडवांटेज रहता है होम गेम में, और बट जैसे MI के अगेंस्ट जीते पता था विकेट टफ है, बट हाँ सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, वो टीम में है कि हाँ कोई भी सिचुएशन हो विल डू इट, तो वही चीज़ मेरे को लगा। सब में ये 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 सब ये लोग बिलीव करते हैं 11 के 11 कि कोई भी टोटल हो हम लोग करेंगे, बिकॉज इतने स्मॉल टोटल में एक बॉलर या दो बॉलर नहीं जिता सकते, आपके सब बॉलरों को उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि सब दोनों ये दोनों गेम में सब जितने भी 5-6 बॉलर्स हैं सब ने एक साथ कंसिस्टेंट अच्छा किया है इसके लिए, बिकॉज मेरे हिसाब से इधर 2 या 3 ओवर का गेम नहीं रहेगा, ये आपको थ्रू आउट द गेम आपको गेम के अंदर रहना है, तो कंटिन्यूसली एक अच्छा ओवर होना चाहिए, वो हो रहा है। बस वही रहता है कि मतलब जैसे मैं बताया कि सेल्फ बिलीव है सबको वो चीज़ में, और उनको पता है कि यार सब मतलब प्रोफेशनली खेल रहे हैं, एक इनिंग हो गया, वो लोग वो चीज़ को दिमाग में नहीं लेते, उन लोग के लिए सब चीज़ यही है कि व्हाट नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, वही है सब लोग अपना 110% एफर्ट देते हैं उधर, और वही है मतलब एकदम ब्रेव होकर डिसीजंस लेते हैं उनको, मतलब टू बी ऑनेस्ट गोड बैक कर रहे और टीम की बिकॉज दे आर शोइंग टू मच कॉन्फिडेंस देयर, इसके लिए मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे। पता नहीं अभी तो चारों इनिंग में मैं चारों डिफरेंट डिफरेंट रूल पे खेला हूँ। अभी तक मेरे को भी सेम ऐसे ही लग रहा है, बट हाँ मतलब आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज, फॉर कोई भी नंबर हो मेरे को, मतलब आई एम वेल प्रिपेयर्ड और मेरे को कहीं पे भी मिलेगा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू, दोनों ही ऐसे पर डोमेस्टिक प्लेयर के लिए कुछ भी नहीं है, खेलते ही रहते हैं पूरा रणजी ट्रॉफी खेलते हैं गर्मी में। उधर का क्रिकेटिंग कल्चर बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलूँ जो मैम से भी बात हुआ कि उधर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट है, वो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं लोग, अच्छे लोग हैं एसोसिएशन में। और हाँ मतलब 20 साल से तो काफ़ी अच्छा किया, यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं और जो सीनियर प्लेयर्स भी हैं यूसुफ हो गए इरफान भाई हो गए ये सब लोग बैक करते हैं प्लेयर्स को, मुनाफ भाई स्पेशली फास्ट बॉलर्स को करते हैं, और वो प्लेयर्स सब छोटी एज से खेल रहे हैं उधर अच्छा क्रिकेट, तो अभी एक ये पॉइंट आ गया मतलब लाइफ का, मेरा हार्दिक कुनाल
कि हाँ यार वी आर वेल मैच्योर्ड। तो हम लोग को मतलब बड़ौदा का ऐसा है कि छोटा स्टेट है, हम लोग को बोलते उधर सीनियर हो आप लोग को करना है, बिकॉज हमको अभी तक तो हम कुछ भी नहीं खेले इतना, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं खेला। तो हाँ वही एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर को अच्छा बनाती है मेरे हिसाब से।